उन प्रोफेसर को की जाती है जिनका कैरियर शानदार हो और उन्होंने अपने तहकीकी काम किताबों और मुनफरिद आइडियाज के जरिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साख बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा किया हो। प्रोफेसर आसिम ख्वाजा की वालदा का कहना है कि आसिम ख्वाजा को बचपन से ही आगे बढ़ने का शौक था। एसिसन कॉलेज लाहौर से ए और ओ लेवल के बाद आसिम ने 1995 में स्कॉलरशिप पर MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 2001 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया, जिस पर इन्हें यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता बरस आसिम ख्वाजा को हज करने वालों की शख्सियत में नुमाया तब्दीली के मौजू पर रिसर्च के बाद कॉर्निकी फाउंडेशन की तरफ से मजीद रिसर्च के लिए $1,00,000 दिए गए। बड़ा एम्बिशियस था शुरू से, हर दफा उसका दिल होता था कि मैं टॉप पे ही रहूं, और जब भी इम्तिहान दे के आता था ना तो हमेशा मुझे ये कहता था कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, मैं इससे बेहतर कर सकता था, और जब रिजल्ट आता था तो माशाल्लाह टॉप पे होते थे हमेशा। आसिम ख्वाजा के वालिद डॉक्टर इजाज ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अगर लोगों को मेरिट पर मौके मिले तो ये मुल्क खुशहाली की इंतहाओं को छू सकता है। जब तक वालदैन बच्चे की तालीम के अंदर पूरे इनहमाद से और पूरी तनदही से साथ नहीं देंगे तो बच्चे की पूरी नशोनुमा नहीं हो सकती। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब फाउंडेशन आप नहीं ले करेंगे तो उसके ऊपर आप शानदार इमारत नहीं खड़ी कर सकते। आसिम ख्वाजा के वालदैन का कहना है कि उनके बेटे को की जाने वाली ये पेशकश बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की आला कारकर्दगी और उनकी इल्मी सलाहियतों का एतराफ है। बैनुल अकवामी सतह पर मोतबर समझे जाने वाले अमरीकी तालीमी इदारे की ये पेशकश प्रोफेसर आसिम ख्वाजा और उनके वालदैन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए फख्र और खुशी का बायस है। कैमरामैन वहीद भट्ट के साथ मोइन अहमद। एकेडमिया में आए न सिर्फ मेरे और भी काफी मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं जो अब माशाल्लाह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में टेन्योर हो रहे हैं और एकेडमिक्स में आ रहे हैं, तो आई थिंक खुशी मुझे इस बात की है कि हम एक ट्रेंड पे ऐसे आ चुके हैं कि हमारे यहाँ भी अब एकेडमिक वर्क या स्कॉलरशिप या रिसर्च की अहमियत उजागर हो रही है एक बार फिर। प्रोफेसर क्या जिम्मेदारियां होंगी अब आपकी इस नई पोजीशन पर, और क्या आपके पास कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहां पर मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी में? जिम्मेदारी से जी ज्यादातर एकेडमिक रिसर्च की यही होती है कि हमारा मेन काम पढ़ाना और रिसर्च होता है, और एक तरह से जब आप टेन्योर हो जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े आपकी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, मतलब कि आपकी इंगेजमेंट विद एक्चुअल पॉलिसी। मैं कैनेडी स्कूल में हूँ तो हमारा काम ही पब्लिक पॉलिसी को मुतालिया करना है, सो उस सेंस में वो इंशाल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो काम भी बढ़ेगा मेरा। उम्मीद है कि पाकिस्तान से मेरी काफी सारी मेरी रिसर्च पाकिस्तान पे ही है, तो उम्मीद है कि आइंदा सालों में मैं और इस पे काम कर सकूंगा और इंगेजमेंट मेरी पॉलिसी मेकर से पाकिस्तान में बढ़ सकेगी। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किस तरह, माशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो बहुत आते हैं, बल्कि एक तरह से एक कहते हैं सैड टेस्टमेंट यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे बहुत आते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, हमारी हिस्ट्री की रिसर्च की लेगेसी की, बट उसके बावजूद जो फिलहाल सिचुएशन है कि एकेडेमिक्स में या रिसर्च में पाकिस्तान में इतनी प्रेजेंस नहीं है, बढ़ रही है बट जितनी होनी चाहिए अगर आप हमारे बाकी ममालिक से कंपेरिजन करें, हमारी उतनी प्रेजेंस नहीं है अभी ना पाकिस्तान में और ना इंटरनेशनल टीम में। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो आएंगे इनको शौक होगा और रिसर्च करने का और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आसिम आपका।